हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीवीएनई लर्निंग क्लास। आई होप यू विल बी सेफ एट योर होम। स्टूडेंट, हमारी जो थर्ड बुक है सामाजिक और राजनीतिक जीवन, उसका जो फोर्थ चैप्टर है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व, कल हमने उसको रीड आउट किया था, आज अगेन उसको थोड़ा सा और ब्रीफ में पढ़ेंगे और साथ में उसके मेन पॉइंट्स भी करेंगे। टुडे डेट इज 25 जुलाई 2020, डे सैटरडे। स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 4, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम लोकतंत्र के बारे में जानेंगे, लोकतंत्र क्या होता है और इसके अंदर लोगों की क्या भागीदारी होती है, उनकी समस्या का समाधान कैसे होता है और उन्हें समांतर न्याय कैसे मिलता है। अगर किसी लोकतंत्र को सफल बनाना है तो इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्या क्या करना आवश्यक है। इसी तरह हम दक्षिणी अफ्रीका के बारे में जानेंगे, संक्षेप में पढ़ेंगे। वैसे तो हम इस चैप्टर को कर चुके हैं, आज हम थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ेंगे कि दक्षिणी अफ्रीका एक ऐसा देश है जिसमें रंग भेद की नीति अपनाई जाती थी। यह रंग भेद की नीति स्टूडेंट जो त्वचा के रंग के आधार पर की जाती थी, श्वेत गोरे रोग, अश्वेत काले रोग और जो सांवले रंग के हमारे भारतीय जैसा हमारा जो रंग है, सब अलग अलग प्रजाति के लोग रहते थे, उनके साथ अलग अलग तरह का व्यवहार किया जाता था। इस चैप्टर में बताया गया है दक्षिण अफ्रीका में कई प्रजाति के लोग रहते थे और वे सभी प्रजाति अलग अलग समूहों में बटी हुई थी। इस यहाँ कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत, भारतीय और अन्य प्रजाति के लोग एक दूसरे से संबंध नहीं बना सकते थे और वो एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते थे। सभी की सुविधाएं अलग होती थी। रंग भेद कानून के हिसाब से जो श्वेत और अश्वेत थे उनके अस्पताल अलग होते थे, अस्पताल ले जाने वाली एम्बुलेंस गाड़ियाँ अलग होती थी, अस्पताल में ज़रूरतों का सामान अलग होता था, श्वेत लोगों के लिए अच्छी रेल और बस की सुविधाएं होती थी, उनके लिए अलग बस स्टैंड होते थे। इसके अलावा अश्वेत लोगों को वोट डालने का भी अधिकार नहीं था, श्वेत लोगों के लिए अच्छी ज़मीनें होती थी, अश्वेत लोगों के लिए घटिया ज़मीनें रहने के लिए होती थी। इस प्रकार उनके साथ बराबरी का व्यवहार नहीं किया जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। इसी तरह वहाँ के अधिकांश लोग अफ्रीकांस भाषाएं बोलते थे, तो वहाँ पर उनकी जो और दूसरी प्रजाति है उनकी जो अपनी मातृभाषा थी उन्हें बोलने से मना किया जाता था और अफ्रीकांस भाषा बोलने पर ज़्यादा जोर दिया जाता था, सीखने पर जोर दिया जाता था। तो इसमें जो दक्षिणी अफ्रीका की पुलिस है वो भी लोगों पर अत्याचार करती थी और ये कानून मनवाने के लिए इन्हें बाध्य करती थी। इसी तरह इस लड़ाई में एक पीटरसन का था जो पुलिस की गोलियों का शिकार हो गया था। इस बढ़ते हुए अपराध को देखते हुए अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के जाने माने नेता नेशनल मंडेला ने इस रंग भेद की नीति के खिलाफ संघर्ष किया और 1994 में उन्हें बड़ी सफलता मिली और जो दक्षिण अफ्रीका देश एक लोकतांत्रिक देश बन गया, सभी प्रजातियों को यहाँ पर समान अधिकार, बराबर का अधिकार मिलने लगा। इसमें लोगों की भागीदारी के बारे में पढ़ेंगे कि लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं, चुनाव में वोट देकर वो अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और इसी तरह प्रतिनिधि भी लोगों की तरफ से निर्णय लेता है और निर्णय लेते वक्त लोगों की ज़रूरत और उनकी मांगों को भी ध्यान में रखता है। और भी कई तरीके हैं लोगों के जिससे वो अपनी भागीदारी इसमें दिखा सकते हैं। अगस्त 2005 की हम एक खबर पढ़ें जिसमें सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया था, लोगों ने इसके लिए बहुत सारे विरोध किए थे, जुलूस निकाले थे, हस्ताक्षर अभियान चलाए थे, सरकार ने लोगों को समझाने की कोशिश की, फिर सरकार असफल रही और सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा और क्योंकि सरकार जनता के प्रति क्या है, उत्तरदायी। स्टूडेंट, ऐसे भी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे लोग अपनी राय को व्यक्त कर सकते हैं, अपने विरोध को व्यक्त कर सकते हैं, सरकार को ये समझा सकते हैं कि उसकी जो कार्यवाही है वो सही है या नहीं है। इसके लिए वो कौन कौन से तरीके अपनाते हैं, धरने देते हैं, जुलूस निकालते हैं, हड़ताल करते हैं, हस्ताक्षर अभियान चलाते हैं और ये तब निकाले जाते हैं जब सरकार की कोई बात गलत हो, न्याय संगत नहीं हो।
इस तस्वीर में आप देख रहे होंगे स्टूडेंट, यहाँ पर लोग कैसे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, और भी कई चीज़ें आप अखबार, पत्रिका, टेलीविज़न के माध्यम से जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, सरकार के जो जिम्मेदारी की चर्चा, इस चीज़ के बारे में आप न्यूज़ खबरें सुनते हो। और जहाँ तक सच है कि लोकतंत्र लोगों की भागीदारी को मौका देता है और सभी वर्ग के लोग को यह इस समय मौका नहीं मिलता था, क्योंकि उस समय एक अन्य तरीका यह भी था कि लोग आंदोलन करके अपने हक को मनवाते थे। इनमें दलित वर्ग, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिलाएं और अन्य वर्ग के लोग थे जिन्हें समान अधिकार नहीं मिलता था, वो अपने भागीदारी के लिए अक्सर आंदोलन करते थे। अगर देश के लोग सजग हैं, इसमें रुचि लेते हैं, तो उन्हें जानना चाहिए कि देश कैसे चल रहा है, देश की सरकार कैसे काम कर रही है, और भी अलग से कुछ निर्णय देने हैं अपनी सरकार को और मजबूत बनाना है, लोकतंत्र को मजबूत बनाना है, अपने शहर, गांव, कस्बे में को सुदृढ़ बनाना है, तो वहां से निकलते हुए जुलूस को हमें देखना चाहिए, वहां पूछना चाहिए कि ये जुलूस, ये हड़तालें किस लिए की जा रही है, जिससे हमें सरकार के कार्यों को समझने में भी मदद मिलेगी। आगे हम पढ़ेंगे विवादों का समाधान कैसे होता है। विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृति, धर्मों के लोगों का एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बैठ पाता है, उनके साथ भेदभाव होता है, और ये विवाद कई बार हिंसात्मक तरीके से ज़्यादा फैल जाता है। तो सरकार की जिम्मेदारी होती है इन विवादों का समाधान करे। कई बार कोई धार्मिक जुलूस निकाला जाता है, उत्सव मनाया जाता है, तो वो भी कई बार विवाद का कारण बन जाते हैं। उनका विवाद का कारण बनने के तरीके हैं कि धार्मिक जुलूस किस रास्ते से निकलने चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा न होने पर भी हिंसा भड़कने का खतरा रहता है। कभी कभी लोग बड़े उत्तेजित हो जाते हैं और इन जुलूसों पर पत्थर फेंकने को तैयार हो जाते हैं। तो हमारी सरकार, खास तौर पर जो हमारी पुलिस है, ऐसे मौके पर मौजूद होती है और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि लोगों के बीच किसी प्रकार के टकराव की स्थिति उत्पन्न ना हो और दोनों पक्ष के या सभी पक्ष के लोग बराबर एक ही जगह बैठ कर उनकी बात करवाती है, इस तरह विवादों का समाधान करवाती है। इसके अलावा स्टूडेंट, ये तो हमारा सामाजिक मुद्दे है। एक हम नदी के बारे में ले लेते हैं। नदियाँ भी कई बार विवाद का कारण हो जाती हैं, क्योंकि कुछ नदियाँ स्टूडेंट एक से अधिक राज्य से होकर गुजरती है, उनके पानी के बंटवारे का भी विवाद उत्पन्न हो जाता है। उदाहरण के तौर पर हम कर्नाटक तमिलनाडु के बीच बहने वाली कावेरी नदी को लेते हैं, उसके पानी को लेकर भी विवाद हुआ था। कर्नाटक के कृष्णा राज सागर बांध से भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम आता है। इसी तरह बेंगलुरु शहर की ज़रूरतें भी इसी पानी से पूरी होती है, और तमिलनाडु के मेट्रो बांध में भरे हुए इसी नदी के पानी राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। स्टूडेंट, तो दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं, तो तमिलनाडु मेट्रो बांध निचले छोर पर है, जबकि कर्नाटक का कृष्णा सागर बांध ऊपर वाले छोर पर है। तो दोनों राज्यों को अपनी ज़रूरतों के लिए भरपूर पानी चाहिए, जो उन्हें नहीं मिल पाता है, जिससे विवाद उत्पन्न होता है। तो हमारी राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना चाहिए कि दोनों राज्य को सही पानी का बंटवारा मिले और उनकी ज़रूरतों को पूरा हुए। इस पिक्चर में आप कावेरी नदी को देख रहे हैं। देखो कि नदी पिछले 30 सालों से दोनों राज्यों के बीच विवाद का मुद्दा रहने के बाद भी कितने शांत स्वभाव से बह रही है, क्योंकि इससे प्रकृति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा। इसके आगे हमारा जो नेक्स्ट पैरा, इसमें समानता और न्याय के बारे में भी बताया है कि लोकतंत्र सरकार में समानता और न्याय के प्रति कितनी वचनबद्ध होती है, वो लोगों को न्याय, समानता किस प्रकार देती है, इसके बारे में भी इसमें बताया गया। कई बार असमानता और अन्याय किस प्रकार होता है, न्याय कैसे निभा, एक अस्पर्श यानी छुआछूत की जो प्रथा थी, जो कानून द्वारा रोक लगाई दी गई है, ये लंबे समय तक चली थी। स्टूडेंट, इसमें जो दलित वर्ग के लोग थे उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और यातायात की सुविधाएं नहीं मिलती थी, उनसे वंचित रखा जाता था और उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता था। आपने डॉक्टर अम्बेडकर जी का नाम तो सुना होगा, उन्होंने इस समस्या के बारे में पढ़ा, जाना
और कई लोगों के साथ इस पर जोर दिया कि ये प्रथा अमानवीय है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सभी लोगों को समानता मिले, उन्हें बराबरी का हक मिले। तो सरकार भी समानता और न्याय की जरूरत को पहचानने लगी और विशेष प्रावधान किए गए। समाज में अब भी बराबर नहीं माने जाने पर कानून बनाए गए हैं और हमारा कानून सबको समान अधिकार देता है, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, किसी भी जाति से हो, चाहे किसी भी धर्म। लेकिन हमारे समाज में अब भी कुछ ऐसी मान्यता है कि लोग लड़कों की देखभाल लड़कियों की अपेक्षा ज़्यादा करते हैं। इसका मतलब ये हुआ समाज में लड़कियों को उतना महत्व नहीं दिया जा रहा। यह धारणा गलत है, अन्यायपूर्ण है। इसे दूर करने के लिए सरकार कुछ ठोस कदम उठा रही है। सरकार कुछ विशेष प्रावधान कर रही है जिससे लड़की अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सके। उदाहरण के तौर पर स्टूडेंट जितने भी हमारे सरकारी स्कूल कॉलेजेस हैं उसमें लड़कियों की फीस ख़त्म करने या ना के बराबर या कम लेने का प्रावधान रखा गया है। आप स्टूडेंट देखते हो जगह जगह बैनर लगे होते हैं, पोस्टर लगे होते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये लड़कियों को अपने आप में मजबूती लाने के लिए, उनकी अवस्था को सुदृढ़ बनाने के सरकार बहुत से कदम उठा रही है, नियम बना रही है ताकि वो सशक्त हो सके और उनको बराबरी का अधिकार मिल सके। इसके बाद हम इसके थोड़े से मेन पॉइंट हैं उनको करेंगे और आपको स्टूडेंट अपनी फेयर नोटबुक में उन्हें राइट डाउन करना है। इसमें चैप्टर 4 के मेन पॉइंट्स दे रखे हैं, पूरे चैप्टर के दे रखा है। फर्स्ट पॉइंट रंग भेद की नीति, जो हमने दक्षिण अफ्रीका में त्वचा के रंग के आधार पर लोगों के साथ जो भेदभाव किया जाता था, तो त्वचा के रंग के आधार पर नागरिकों को अधिकार देने में भेदभाव करने वाली नीति को ही रंग भेद की नीति कहते हैं। इस नीति को दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने लंबे समय तक अपनाए रखा। ये इस नीति से उन्हें जो अफ्रीकी कांग्रेसी नेता थे नेशनल मंडेला जी, उन्होंने इसके खिलाफ लंबे समय तक संघर्ष किया और लोगों को इस अन्यायपूर्ण नीति से छुटकारा दिलाया। अब वहाँ पर भी हमारे देश की तरह या दूसरे देशों की तरह लोकतांत्रिक सरकार है, यानी कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार है। नेक्स्ट पॉइंट इज श्वेत लोग कौन होते हैं? दक्षिणी अफ्रीका में रहने वाले ब्रिटिश मूल के जो गोरे लोग हैं, जो अंग्रेज लोग हैं जिनका त्वचा का रंग साफ है, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति अपना रखी थी, उन्हें श्वेत लोग कहते हैं। श्वेत लोगों के लिए सब कुछ बढ़िया इंतजाम था, व्यवस्था होती थी, सभी उनके साथ अच्छा व्यवहार करती थी। नेक्स्ट पॉइंट इज अश्वेत, दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले अफ्रीकी मूल के लोग जिनकी त्वचा का रंग वहाँ के वातावरण के कारण काला है, उन्हीं के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था, उन्हें हर सुविधाओं से वंचित रखा जाता था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रंगीन चमड़ी वाले का में रहने वाले भारतीय मूल के लोग, जो हमारे भारतीय वहाँ किसी व्यवसाय के करने के लिए, नौकरी करने के लिए वहाँ रहने लगते हैं, उनके साथ भी भेदभाव होता था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दक्षिणी अफ्रीका में लोकतंत्र कैसा था, दक्षिणी अफ्रीका में लोकतांत्रिक शासन कैसा था। तो अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के जो नेता थे नेशनल मंडेला जी के नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र की स्थापना हुई, क्योंकि उससे पहले वहाँ पर रंग भेद की नीति होती थी, लोगों के रंग के आधार पर व्यवहार किया जाता था, उन्हें अधिकार प्राप्त थे। नेशनल मंडेला जी ने इस रंग भेद की नीति को समाप्त कर दिया, इसके लिए एक आंदोलन चला जिसके परिणामस्वरूप उन्हें सफलता मिली, वो कामयाब हुए और आखिर में 1994 में दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हो गई, जिसका मतलब है सभी लोगों को समान अधिकार। लोकतंत्र और चुनाव, लोकतंत्र क्या होते हैं और चुनाव क्या होते हैं? लोकतंत्र में एक निश्चित अवधि होती है, उस अवधि के पश्चात ही वहाँ पर चुनाव होते हैं जिसमें लोग वोट डालकर सरकार का पुनर्गठन करते हैं, नई सरकार बनाते हैं। भारत में चुनाव होने की अवधि 5 वर्ष है, हर 5 वर्ष की अवधि के बाद वो चुनाव की नई प्रक्रिया होती है और दोबारा से सरकार का गठन होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विवादों का समाधान, सरकार
कैसे लोगों के विवादों को सुलझाती है, उनका निपटारा करती है। लोकतंत्र में विवादों का समाधान शांतिपूर्वक किया जाता है। शांतिपूर्वक समाधान करने वाली सरकार संस्था को ही सरकार कहते हैं। समानता और न्याय लोकतंत्र के दो मुख्य तत्व हैं। इसके बिना सच्चे लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सच्चा लोकतंत्र वही है जो अपनी जनता को, अपने देश के लोगों को सही न्याय दे और उनको बराबर समझे। तो स्टूडेंट, दिस चैप्टर कंप्लीट, दीज पॉइंट्स कंप्लीट। यू राइट डाउन योर फेयर नोटबुक। Stay home, stay safe. Thank you, student.